हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी नहीं मरिया, उस सने जिसम आसमान से चला गया। वरफा नाम कान लिया, बहुत बड़े बड़े मामा ने आख्या कि वह अपने लफ्जी मान है कि वह जिंदा ही आसमान से चढ़ गया। वह कदार किंदल किताब अन्ना इलियास सैयद अल समाज बदनी। और इस तरह यहूदी और ईसाई भी मनते कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी नहीं मरे, वह भी जिंदा आसमान से लोगों के वेखदे नूरानी रथ आई है घोड़े आसमान तो नूर दे सवार होया दुनिया से चला गया। इस तो यहूदी और ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इदरीस नूं जिन्हों हनूक आंदे और हज़रत इलिया और इलियास तीन मनते कि जिंदा आसमान से। साडे कई नेक लोग जिहड़े आंदे जमीन ते एक होर भी पैगंबर दिंदा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी दिंदा, इमाम नबी वर्गे इब्ने सलाह वर्गे आंदे कि बिल्कुल वह भी मौजूद है जमीन से, उन्होंने भी मौत नहीं आई। इस तो बयान का मतलब यह सी गुलाम अहमद ने जिहड़ा दजल और फरेब किया किताबुल बड़िया कि इब्ने तैमिया का ईसा अलैहिस्सलाम मर गया। तुसी सुन चुके बे ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल इदरीस नूं भी आंदा बे जिंदा ही आसमाना ते ना। इस तो झूठ जिहड़ा है वह जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद भी एक जगह लिखा सीधी पंजाबी के गूँह खाना और झूठ बोलना बराबर है। हाँ इमामत ते बड़ी वड्डी गल, बंदे नूं सच्चा टोना चाहिए। ए मैं सफ़े पढ़े 168 तो लै के 170 तक चौथी जिल्द अल जवाब सही। एक तो एक बात, दूसरी बात में कई परवेजी और कई शिया दोस्त भी जोड़े अपनी किताबा नहीं पढ़ते कह दें जी वेखो सुनिया दिताबा 50 नमाजा से फिर उस चाहिए जे 5 हुई अल्लाह नूं कोई मुखालता सी। हाँ अल्लाह ने बाद च भी आख्या मेरी बात नहीं बदलती, बात तो बदली वे 9 वारी गया तो घटाई आया 5-5 होर बात की बदलनी। जो आख्या माँ यू बदर उल कौर उल दैया, मेरी बात नहीं बदली यार, एक गल अजीब है वे बदली 9 वारी है अखीर तो यह हैरान हों कोई नहीं बदली, ये भी रौला पाई रख दे। तो इस बारे ही समझना चाहिए क्या मेरे शिया अहबाब की किताब है बिहारुल अनवार अल जामिया दुरर अखबार लाइमा तिलथार तो लामा मैलसी ने जिल्द जड़ी है समझो 18 और दार है तुरासल अरबी उत्थों छपी है और तारीख व नबी नासल सलम और बाब ए बाब इस बात मेराज व माना व कफी जफी वसर बुरा बुरा की मेराज सारा लंबा कुछ बहुत ज़्यादा सफ़े काफ़ी जड़िया नरवैत इस बारे च तकरीबन ये समझ लो कि सफ़ा नंबर 282 तो लैके 409 तक है 18 और 8 126 सफ़े मेराज ही मेराज है। तो इतने फिर इस बारे में सिर्फ एक टुकड़ा पढ़ देना ताकि पता लगे भी सुनी शियां दा इलम एक ही है, एवें कोई खड़ा हो गया सुनी आ कहिंदे ओए आ के शियां आ कहिंदे एक ही इलम हुंदा, बाकी रह गई गल उहनूं सारे समझण दी कोशिश करा करो भी उह की सी नमाज़ां फर्ज़ होईआं की मजाक क्यों उड़ाउंदे जी। हाँ किहड़ा नठूगा इत्थों आप सारे कसूर दे तुसीं मुजरम जे। तो लिखदे अज मरवात 299 सवा बाज मरुआत अन नबिया सलम लम्मा खूतबा बेफर्ज सलात लैलत अल मेराज वाहफ समा काल अल मूसा अल सलाम इन्ना उम्मत काल लात थी के आंदे सारे रावी पूरा आलम सलाम मुतफिक है कि अल्लाह की तरफों मेराज की रात जो हजूर ते नमाज फर्ज हुई आप आसमाना थे उस वे फिर मूसा अल सलाम ने आप नूं मशवरा दिता बे तेरी उम्मत एक कम नहीं कर सकती वन राह जाए अल्लाह ताला मर्रत लम्बाला उखरा ते बार बार फिर अल्लाह के दरबार से आपने दरख्वास्त की है वमा हासिल आला इतफाक फलम काफी कदम तो लामा कराची लिख दो यार जिस गल से सारे फिरके मुतफिक होन भी कोई शक रह गया कोई कहिंदा होवे दूजा ना मनदा ताजी हुंदी विरौले वाली गल जो सारे सुनी शिया मनते भी होया फिर ये किसम हो सकता गल हो इदा ही बाकी क्यों हुई है वो समझ की जरूरत। इतने एक बहुत अच्छा नुकता वह मैं बयान पढ़ देना मैं हाफिज साहब अपने बीमार हो गए अल्लाह शिफा दे सुलेमान साहब वह भी जो उन्होंने सामने बयान होया उन्हें कहा यार ये तेरा ही काम है मैं रसूल्ला ने क्यों ना कह दिता कि अल्लाह ताला पहला ही घटा दे रसूल्ला कहें तो समझो गुस्ताखी हूँ ये तो हुक्म मनने वाली गल ही कोई ना होंगी तस्लीम और रज़ा के खिलाफ हों हुक्म मिलता आप उत्थे बहाने शुरू कर दे रसूल्ला का मकाम तस्लीम दस कि सरे तस्लीम खान जो हुक्म मूसा अलैहि सलाम का मकाम शफी का सी सिफारशी सी उन्होंने उम्र गुजरी सी उन्होंने तजर्बा सी उन्हें रसूल्ला मशवरा दिता कि अल्लाह के रसूल्ला हजूर ने आख्या भाई का दिल नाराज नहीं करना ठीक है ना अल्लाह के दरखास्त के पहली आप कर दे क्या होंगे फिर 348 सवा
आनंद।